डिवाइड द थॉट्स, अर्थात मनर जो भावना अछि ताको विभाजन कर, अलग अलग कर दिया। जंदे गोटे बैग रे परिवार होना होछि, दि प्रकार परिवार थो अलग अलग कर जाउ छि। तो दि प्रकार कौन कौन ना, गोटे होछि भल गुण आ गोटे होछि मंद गुण, खराब गुण। मंद माने एटा खराब, इंग्लिश रे कहन्ति वर्च्यूज एंड वाइसेस, गुड वैल्यू बैड वैल्यू। प्रैक्टिस करिला
ध्यान समय रे और व्यवहार समय रे भल भल गुण ही रखिया दैट विल बी आवर पर्सनालिटी सेटा ही हम मन पर व्यक्तित्व के तो पांच नंबर हो छी जेते भल गुण अछि ताको गोटिए कर दे तो जेते दांत काटबा काठ जाक सो बीड़ा कर के बांधा संत हम मन पर भल गुण के इकट्ठा कर देले से जो मु व्यक्तित्व मोर पर्सनालिटी फिट ऑल गुड क्वालिटीज पुट टुगेदर बिकम्स योर पर्सनालिटी आम मानकर व्यक्तित्व हो जीव पांच नंबर लास्ट छ नंबर को छी डेडिकेट टू गॉड निजर भल भल गुण या निजर व्यक्तित्व समर्पण कर नाहम कर्ता हरि कर्ता निमित्त मात्रम भव सद्य साचित डेडिकेट टू द अल्टर ऑफ डेडिकेशन भगवान का चरण कमल पर समर्पण ये हो ची वैल्यू मेडिटेशन प्रत्येक दिन ये छोटा पॉइंट को लेके विचार कर लो जाए निजो घरे पांच मिनट हो दस मिनट हो पूजा करियो पौरे ये भावना रख लो जाए गोटे दिन फिजिकल बॉडी मेडिटेशन आ गोटे दिन ओंकार चिंतन आ गोटे दिन वैल्यू मेडिटेशन गोटे दिन का सब जब करियो अच्छे करी करी लगे गोटे दिन गोटे मेडिटेशन जब आज हम गोटे मेडिटेशन ही कर जाए शुभ शुभ भ्रम मार्ग भ्रम बहंती वासना सरित योग वशिष्ठ रे वशिष्ठ रे सिखो चंदे शुभ मार्ग एवं अशुभ मार्ग ए दीटा मार्ग रे वासना रूपक सरिता नदी प्रवेश प्रवाहित होच जेंते केनल दी प्रकार थाए गोटे केनल रे इरिगेशन जलसेचन धोबा माने गाधांती माने कपड़ा सफा करते से केनल रे ही बड़द गाई मान को गाधवी जाए ये आउ गोटे केनल ओनली ड्रिंकिंग पाई सेटा शुद्ध थाए जेमते नर्मदा नदी रु पानी अमरकंटक पर आसी को उज्जैन पर्यंत दिया जाए ओनली ड्रिंकिंग पाई शांति दीटा मार्ग आम जीवन रे सब बेले चलछि तके ई प्रक्रिया रे भलो भलो मार्ग गुण को उत्पन्न करी खराब खराब गुण को विदाय करि आउछे प्रैक्टिस करले भलो गुण बेसी बढ़िबो जहाँ पाखरे जेते भलो गुण आउ से गुण रो सांद्रता बड़ जेंते सत्य कहिबा बक्षमा दया अगर 10% थियो तो 10% ही सुख मिले जहाँ पाखरे 100% थियो 100% सुख मिले भगवान निजे कहते अशांत से कुत सुखम गीता रे सेकंड चैप्टर रे अशांत व्यक्ति रो सुख काही तेना मन जितने शांत हो सुख आ मन शांत कमी हम भल भल गुण रखिले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह भल गुण अच्छी तो मन शांत कमी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब देखिपर पानी दीटा गुण दरकार पानी स्थिर हवा दरकार आ पानी सफा हवा दरकार मन मध्य स्थिर हवा दरकार आ मन मध्य शुद्ध हवा दरकार स्टिल एंड गुड ए प्रक्रिया ने कि हम मन के पूर्ण रूप से भगवान ठारे लीन हो जाए
दर्शनैः परमे बुद्ध्या प्रतिगृहीतया आत्मस्वस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अचिन्तये। गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग में भगवान पहुंचा मन को तुम्हें धीरे धीरे बुद्धि द्वारा कंट्रोल करो एवं मन रखिए और परमात्मा का चिंतन करके अहम ब्रह्मास्मि मुचेतन तत्व अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्मा मुसेई शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं सच्चिदानंद स्वरूप मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मैं हूं दृष्टा मैं हूं साक्षी मैं हूं निर्गुण स्वरूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मोर स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम 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 मोहज शिव स्वरूप हाथ जोड़ दिए तो जोर प्रसन्न स्टॉप आखिरी सेकंड टाइम स्टॉप आखिरी दबी दिन पापुली द्वारा थर्ड टाइम एंड धीरे धीरे मोड़ी की आखिरी खोल दो कली मन पकड़ गीता रे भगवान कोई थे भक्ति रो साधना रो सोपान सीढ़ी गुट्टे हो जी मन द्वारा भक्ति बुद्धि द्वारा विचार ज्ञान अर्जुन माध्यम रे जदि हम भाविबा के नै हम करि परनो भक्ति होउनी ज्ञान भी होउनी ओ जदि अभ्यास कर बसिया पे अभ्यास करो पूजा करे पे अभ्यास करो अभ्यास अरे अभ्यास करे पे समय नहीं कहीं के बहुत कर्म सफल सफल होते के कर्म कर चुके समस्त त्याग कर तो भगवान चौथा चतुर्थ कर को जाने फर्स्ट कौन है भक्ति सेकंड ज्ञान थर्ड हो चुका अभ्यास वो जब जो कर्म कर चुके हाँ कर्म कर चुके से कर्मटा तुम्हें निजे करुच मु करता बोले भावुच यस तुम्हें भाव कि मु कर्म करो ने भगवान को मु समर्पित करके करो छी ना हम करता हरि करता मु केवल गोटे इंस्ट्रूमेंट एवं देखो कर्म समस्त करुचने किंतु कर्म साधना कमी हम कर्म कर्म जोग के मध्य हो वो जो दी कर्म रे तीनटा डिमेरिट हो छे से दी तीनटा दोष रो छे त गोटे दी कौन कौन दोष आ फर्स्ट हो छे मु करता कर्म मु करो छे अहंकार अभिमान एक अहंकार अभिमान ही भक्ति रो व्याघात ज्ञान रूपी व्याघात कर्म मध्य व्याघात आपको हटा आपको हटे वो कहते यार आंटी डर कौन अब कमी विचार करियो ना मुंह करता नुह हरि करता मुंह केवल इंस्ट्रूमेंट सेकंड कौन कर्म रे दोष रोज कर्म प्रति आसक्ति कर्माशक्ति ताको कम दूर करियो पड़ियो आसक्ति नहीं निराशक्ति एवं मैं हॉस्पिटल गले का तो देखिए आप हैं तो किरण पड़ी जाई ची पड़ी गला बरसतर गला आ साइंस साइंस काम हम लोग उठे ही रोज़ उन्होंने आसक्ति नहीं
ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି, ଆମେ ସେୟା କହୁନୁ, ଉଠେଇଦେଲେ ସରିଲା। ନିରାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ କେବେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାନେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଳର ଆଶା, ଫଳର ଇଚ୍ଛା। କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛୁ ଆମେ, ଫଳ ମିଳିବ, କିଷାନ କାମ କରୁଛି ଫଳ ପାଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରୁଛି ଫଳ ପାଇବ। ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ବା ଭଗବାନ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାନି? ତେବେ ଯଦି ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାନି ମନୁଷ୍ୟ କରିବ କାହିଁକି? କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଖରାପ ନୁହଁ, କର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ତମର ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆସିଲା ସିଏ ତମକୁ ବ୍ୟାଘାତ ହବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପିଲାଟିଏ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ ଭଲ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ ହଲ୍ରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କର୍ମ, କାରଣ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। କାହିଁକି ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 8-10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମନରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି, ପଇସା ବି ମାରିବି, ଏଇଟା ବି ଭାବିଲାଣି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସିଏ ଆଉ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବ? ସେ ତ ଭାବୁ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଲେଖାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ତିଆରି କଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ଲେଖିଲାଣି କି ସୁଟକେସ୍ରେ ପଇସା ବି ଆସିଲାଣି ସେଇଟା ବି ଲେଖିଲାଣି, କାରଣ ଯାହା ଭାବନା ଆସିବ ତା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଭାବନା ରଖ ନାହିଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ ଦି ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଦିଅ, ଦେନ୍ ବାସ୍ ଥରେ ଯୋଜନା କରିଦେଲ ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଇ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ଚାଷ କଲାବେଳକୁ ଭାବିବ ସେମିତି ଧାନ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ହବ ହଳ କରିପାରିବନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନରେ ହିଁ ରହିଲା। ଯେମିତି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ବଳଦ ଏଇସବୁ ଷଣ୍ଢମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଳଦ 20-25 ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ, ଯିଏ କ୍ଷୀର ବାହାର କରୁଛି ସେ ଭାବିବ ଏ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର ମୁଁ 90 ବିକିଦେବି, ବାସ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା କମେଇବି ମଟରସାଇକେଲରେ ଯିବି। ତ ସେ ମଟରସାଇକେଲରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚଲେଇ ପାରିବନି, ନେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଫଳର ଆଶା ରହିଲା। ଆର ଯିଏ ମାଲିକ ସବୁ କରୁଛୁ କ'ଣ ବେଶୀ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟରସାଇକେଲରେ ଚାଲିଛି, ତ ତୋର କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ସବୁ ଫଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାରଣ କର୍ମ ସମୟରେ ଫଳର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବା କର୍ମରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଫଳ ତମେ ମିଳିବ, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାର ସେ ମା ଫଳେଶ କଥା ଅଛନ୍ତି, କର୍ମଣ ଏବ ଅଧିକାର ସେ ତମେ କର୍ମ କର ଆଉ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଜୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ କର୍ମ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ କର୍ମର ସମୟରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଫଳ ବି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଅହଙ୍କାରଟା ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ, ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ ତ ତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବି। ଅହଙ୍କାରଟା ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନ, ତମେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ହଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବନି, ନା ନା ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ ନା, କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ ଏଇଟା ଚଳା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ କର୍ମ କରିପାରୁନି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ଓକେ ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼ନି, କିନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼, କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ, କାହିଁକି ଏ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ତତେ ଅସୁବିଧା କରିବ। ଭଗବାନ 11 ଶ୍ଳୋକରେ 5 ସାଧନା କହୁଛନ୍ତି।
कर्म फल त्याग ए बुझेले मैले 10 मिनेट एति के इंट्रोडक्शन देली एति पाए भक्ति होनी चलियो ज्ञान होनी चलियो अभ्यास करो अभ्यास भी होनी कर्म काई के अभ्यास करि करनो मु कर्म रे व्यस्त आछ ना सही कर्म कलब को मते समर्पण करी करो जे करतला बढ़िया जे करी परले सरन रहले कने आगे 4 नंबर भी करी परबो 4 नंबर काही करी परनो तेनता असुविधा आछ मु करता कर्म प्रति आसक्ति फल प्रति इच्छा तो नंबर 1 नंबर 2 चलिबो यदि नंबर 3 ता तो त्याग करो कर्म फल त्याग करो एगर नंबर पढ़िया श्री भगवान वाच अथे तदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् तुमे यदि सर्वकर्म समर्पण योग करि परु नह चार नंबर करि परु नह चार नंबर तीनटा पॉइंट तेला तावी करि परु नह ताहले दीटा तुमको मु छाड़ दे दो छी एटा तो तुम करियो पड़ियो कर्म फल त्याग छाड़ कारण कर्म फल त्याग न कले तुम्हें अगेन आसक्त रे पड़ियो अगेन ये संसार बंधन रे पड़ियो अब तुम्हें जो कर्म कर छो ना ते यतात्म बान हो अटेंटिव हो एबे कर्म कर छो अलसुआ भावरे मेकानिकल रे मतलब अटेंटिव हो अटेंटिव माने सदा सर्वदा जागृत तो रहने वाले आप ये मुझे पूछो जी ओडे मिलिटरी रे थेले जणे लोको एमजे गांव रे तंगर घर थेला रिटायर पर भावले के फार्म हाउस करले तो सही गांव रे जो जमी थेला तको बोले फार्म हाउस बढ़िया पला दही पसंद करे तणो देखला को थोड़े जंदे रसगुल्ला हांडी अछि से दही हांडी मिलला ताको से नहीं की जाता ये छुआ मने खेलू थे क्रिकेट जहाँ कुछ समान बहुत आजकल चला जान चंदी मिलिट्री वाला सांगे सांगे कले अटेंशन सांगे सांगे से जो अभ्यास है ना 20-25 वर्ष वाले से दही हांडी टा को हाथों टा पड़ गया थे दही हांडी किस कोई भी पड़ लगे हाथों टा कस गया और रहेगा दही हांडी पड़ी हो ताहर मन में ला रहे ये तो छुआ मुने मत मजा करे अटेंशन कर दले याकु कहती यथात्मवान मान तांकर एते अभ्यास थिला अटेंशन शब्द मध्ये एते पावरफुल से छाड़ दले सेमते कोचन तमे कर्म करो और अटेंशन रूप मु भगवान पे कर्म कर छु यथात्मवान और सर्व कर्म फल त्याग अर्थ कोन गोटे होचि कर्तृत्व भाव अब रहोचि भोक्तृत्व भाव डुअरशिप एंड एंजलशिप मु कर्म करचे मु करता आ होचि मु भोक्ता कर्म मनुष्य एति पई कोचि फल मिलले तार भोग करियो भोक्ता कोचि दि भोक्ता पण हटा छाडले वर्तमान भगवान जो स्टाइल रे बतेले कोन भक्ति करि परनो विचार करो विचार करी परनो अभ्यास करो अभ्यास करी परनो कर्म योग करो कर्म योग करी परनो फल त्याग करो ता माने फल त्याग त लोअर सिस्टम फ्लाइट रे जाई परनो दुरंत एक्सप्रेस रे जाओ राजधानी रे जाओ दुरंत एक्सप्रेस राजधानी रे पैसा नहीं एक्सप्रेस ट्रेन रे जाओ एक्सप्रेस ट्रेन रो पैसा नहीं पैसेंजर रे जाओ पैसेंजर रो पैसा नहीं बस रे जाओ एसी बस रे पैसा नहीं प्रो धड़धड़ बस रे जाओ
तमने कौन धड़धड़ बस था होचे इन्फीरियर कराए फ्लाइट था होचे नंबर वन सेंट भगवान आपन कोच एटा अर्जुनों का प्रश्न आ तमने जो कर्म फल त्याग ये लोएस्ट वाला मुझे ना 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 ये धारणा रखना कर्म फल त्याग श्रेष्ठ इटा 12 नंबर श्लोक पर कोच कर्म फल त्याग रो स्तुति कर्म फल त्याग रो प्रशंसा करुछंती एवं श्रेष्ठ या भवन में लास्ट रो कहि गेली के एटा निकृष्ट कोन सुले दुकान को जियो एवं मो साउथ इंडिया जाई थाले मोर खाइबा कथा त अपन मन जान छ किया तर संत नाही राग नथियो आ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट पे जियो दिस दोसा इडली से चटनी राग सांभर राग जहां भी तो से राखिले सो अरे स्वामी जी बिल्कुल कुछ नहीं खाते तो बताओ क्या क्या है तो दोसा है और चटनी में एक है वो एक है वो सही था से जो चित्तो बढ़िया इंद्र बड़े सही था मिलना फिर खीरो दिस इज बेस्ट है ना तो सेंटी एटा नहीं सेटा नहीं सेटा नहीं सेटा नहीं जहाँ मिला तांको दृष्टि कौन है इधर बड़े निकृष्ट कारण मेन हो जी मसाला दोसा और वो भी मसाला दोसा आजकल तो फैमिली दोसा बहुत बड़ा बड़ा बसी के पास समस्त बसी के काउ कौन मिला वाला खाओ है ना तो या नहीं से या नहीं तो लास्ट जो तो ऑप्शन हो कपड़ा रंग दियो बोलो कपड़ा ब्रांड टीवी में ब्रांड मोबाइल में ब्रांड एप्पल अच्छी नहीं एप्पल 15 नहीं 1,30,000 तापर आउ किसी एप्पल 12 एप्पल सेटा भी तुम दुकान पर नहीं सैमसंग नहीं आउ कौन ओप्पो नहीं अगे नोकिया अच्छी हजार टाइम तो मैंने ग्रेडेशन कम रोज और जन को मन भी सह भावना अच्छे आम मध्य भी भावना अच्छे भगवान को चिंता बुझुन पान श्रेयो ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागः त्याग शान्तिरनन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यास अभ्यासरु ज्ञान श्रेष्ठ जण अभ्यास करतो मेकॅनिकल किंता पकर नॉलेज अछि तो नॉलेज ता श्रेष्ठ ज्ञान ध्यानम विशिष्यते नॉलेज अछि कि तो प्रैक्टिस करूने तण प्रैक्टिस ता श्रेष्ठ ध्यानम माने प्रैक्टिस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जोडि देखिए थ्योरी प्रथम पढ़ा जाए जे पर जो प्रैक्टिकल करेंगे मार्क भी मिलेगा ने पास भी होगा चला प्रथमे कौन पहले अभ्यास रु ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान रु ध्यान श्रेष्ठ कहो जंदे ध्यान रु कर्म फल त्याग श्रेष्ठ तुम्हें जो धारणा में रखी चे कर्म फल त्याग निकृष्ट ना कर्म फल त्याग टा सर्वोच्च श्रेष्ठ कारण त्याग रु ही शांति मिले क्लियर एग्जांपल रे बुझिबे क्लियर गोटे ब्राह्मण ठारो अकबर ने ये गीता प्रत्येक दिन सुन था 4-5 श्लोक पढ़ने को सुन ये श्लोक रे अटकी गले ब्राह्मण को चल अपन जो पढ़ ले उत्तर दियो से उत्तर दे ही पाल ले ने अरे चिन्मय मिशन रे कोर्स कर न थिले ना देन अकबर को इच्छा बीरबल हो चलते पक्का यानी चिन्मिशन कोर्स भी कर चले से तंग पचाए देन तंग पचाए ये जानी दे ले
या अकबर ना बड़ा बौद्धिक वाला तार्किक वाला मुझे आप बुझे भी मत बुझिए हमको प्रैक्टिकल दरकार है कले ठीक है महाराज यार उत्तर मुका लिया पर मुझे किंतु आप यहाँ पर उनके मोर कंडीशन माने आप पड़े निर्गल उनका स्टाइल है क्या कले कौन ना आज ही हम घर को अपना डिनर खाया पैस हुए निर्गल भी जानते मजे मजे निर्गल खान की तो अकबर को पकड़े ये भी जाते एवं इमिति को ले बैगन भरता चोखा आदि इमिति को ले जो इस खाया को देले एवं मेडिसिन मंदे से इधर देले जो तुरंत लेटरिन हो बने ठीक है लेट हो तो सकल सकल दिन पहले खुशी है अरे जब अपन को प्रश्न थिला हाँ यस यस प्रश्न थिला ना कल्ली में उत्तर देवे नौका बिहार माने ना जमुना नदी को नौका करेगा सकल सकल पांच साल में जाने चाहिए अकबर के लिए सोच जाने ना पूर्व में गले बता नहीं ये जो औषध खाई चाहिए और रात्रि में खाई चाहिए वो नहीं कभी कभी हुए नहीं पनीर जल्दी खाई गई है अन्य अन्य कुछ पौना से जल्दी हो तब तो वो नहीं ना इस समय लगे हो अब यदि सब्जी सिंपली संतुला हो अन्य अन्य फटाफट ठीक है एक तनिय वरिष्ठ खाद्य जब कौन से संधि कोई थे उसको तो देख रहे कि ठीक है लंगिंग चलिए लंबा नो कभी आर आर माला दी घंटा पर जन पौरे हो आशिकल आर माला कार अकोरे को अंकोरे किसी प्रॉब्लम नहीं किस कोई पर ना थे तो तभी लाजू छड़ी की कोई नहीं अबे मत ऐसे के लेटे लग रहा है पूर्व कलर नौकर हैं जिसको व्यवस्था न थी ये हम ध्यान दे ना दे करां को तो आंसर तो वर अच्छी ना ध्यान दे लेने के चीज है अरे सरू प्रवचन दे चल गए गीता ऊपर है वो परिषद ऊपर है ताकि राम मनो को तो अच्छी गीता ऊपर जो तो सुनिए आप अपन भावना का अपन को जितने इंटे इतनो ये जब कोई बस प्रवचन सुनो बर्तन आगे मु यागो करेगी तब पर जा यदि आप रसगुल्ला देवा है अब ना ना नहीं तो नहीं है तो अकबर अपेक्षा कर आउ समय कर देंगे लास्ट मोमेंट रहे बस थोड़ा और बुझाएगी कौन जा कर जा कर कर दे रिलैक्स देन कर भगवान मेरे कोई भी उत्तर करना जे पर्यंत अपन धरी की बसतेले अपन को मन अशांत थिला कि नहीं त्यागत शांति अनंतर त्याग कोई गले शांति हो गला कि नहीं एबे इस लोकटा बुझि गले ना बुझि गले भी लोग तो हमर प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है ना एक एग्जांपल रेटे बुझा गला जे पर्यंत हम कोनो से जेचोटा धरी थीबा सेटा ही हमको दुख हो जड़े सन्यासी थे विरक्त गांगा बुंतर जड़े गार पिलाटे कले मु अपन का शिष्य है और देख शिष्य हु तो हु मते संग्रह करे अपन इच्छा ना ए गार गले ए गांग गले ए जो गले ने मळे गले के जने खायो के देते बस सरला एने बेसी ग्रहण करे को मोर इच्छा ना तू विषय करियो ना हो प्रवचन देले स्वामी जी समस्त सम्मान करे सुधी चले फल धन ये गोटे गार लगे कले गोटा नहीं तो ते तकलीफ दो नहीं नहीं कि तुम्हें काम आशुआ के जो आप लोग कोई लड़कों ने जंगल में रास्ता रे जीवन पड़े जंगल में लोगों ने थे कहाँ ने थे तो देख ये दुख दबो करते हैं कौन सी ध्यान से देखो लिखो खुशी रास्ता रे जाऊँ चलती डाकुआ ना से जंगल के गुरु ये शिष्य गुरु पकड़ किसी ना ऐसे बोल देख बदन शिष्य से फल फल थिला पैसा से जो सुना आदि सब ता अंटा रे रखतेला से मन में खुशी रे बाहर कले दोनों थे तो बाड़े ले तापरे बाध्य है कि सब खोजा खोजी कला से को जगह रे सब गुप्त जगह रखतेला सब नहीं की कला देन रिलैक्स गुरुजी कहले देखिल तू धरी थिलु बोली मार खाइलु जरा त्याग कर शांति है लगे नहीं समान के पड़े ना
ତ୍ୟାଗ ଶାନ୍ତିର ଅଲଙ୍କାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ତ୍ୟାଗର ଏତେ ମହିମା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର ମହିମା କିଛି ନାହିଁ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ହେଇନି ନାଇଁ ତାମାନେ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଟପିକ ଅଛି ନା ତ୍ୟାଗର ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି ତ୍ୟାଗ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ 13, 14, 15 ଆଜି ପାଇଁ 13-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଗୁଣ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ଏବେ ଟପିକ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ଶ୍ଳୋକରେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ 36 ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 17 ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ହଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟରେ ସୂତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଜାନି ଜାନି ସିଦ୍ଧସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣାନି ତାନି ତାନି ସାଧକସ୍ୟ ସାଧନାନି ସୂତ୍ର ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଣ ସିଦ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ ସେଇ ସେଇ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ତା ପାଖରେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯାଏ ଯେମିତି ଏବେ ଆଜି ମେଡିଟେସନରେ ଥିଲା ଭଲ ଗୁଣ ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା ଆମେ ମେଡିଟେସନରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଛତି ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ରାମଙ୍କର 64 ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କୌନସ୍ମିନ୍ ସାମ୍ପ୍ରତମ ଲୋକେ ଗୁଣବାନ ଦୃଢ଼ବାଂଶ ନାରଦ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ସମ୍ବାଦରେ ଅଛି ବାଲ୍ମୀକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ଗୁଣ କହିବେ ପୁରା 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରୁ 19 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଅଧା ଦେଖିବା ଫେର କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏମିତି ତ 20 ଶ୍ଳୋକ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୋପାନର ବୁଝାଉଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଅଲ୍ ଇନ୍ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ କାହିଁ କଲେ କାରଣ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ କାହା କାହା ଗୁଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବି କହିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କଲେ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିବା 2 ଶ୍ଳୋକ ଏକାଥରେ ପଢିବା ଅଦ୍ୱିଷ୍ଠା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମୋ ନିରହଂକାରଃ ସମଦୁଃଖ ସୁଖ କ୍ଷମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସତତମ ଯୋଗୀ ଯତାତ୍ମା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ମୟ୍ୟର୍ପିତ ମନୋ ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ମଦ୍ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟଃ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ଭକ୍ତ ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି 13 ନମ୍ବରରେ 7 କ୍ୱାଲିଟି 14 ନମ୍ବରରେ 5 କ୍ୱାଲିଟି କହିବେ 12 କ୍ୱାଲିଟି ଏ 2 ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ଆମେ କହିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି ସକାଳ ମେଡିଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଟୁଲ ବାହନ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନା ତ ଏସବୁ ଗୁଣ 7 କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାମ୍ 1 ନମ୍ବର
अर्थात समस्त प्राणी भीतर द्वेष भावना बिल्कुल नहीं, प्रेम भावना आज नंबर वन अद्वेष्टा मैत्र। नामदेव गुरुतंत्र महाराष्ट्र कावेरी नदी पर से गार रहे लोग बहुत पसंद करे प्रवचन सुनले जैसे ब्राह्मण मान भावे ये तो बड़ा मुश्किल हमको जल्दी आम ज्यादा सम्मान पहुंचे तो उन्होंने जुवक को पठाइले पैसा देले कहले तो थुकी दो गाधे राशे कावेरी नदी में स्नान करके गोदावरी या कावेरी स्नान करके जब रास्ते थुके दिला सब कुछ कले फिर नदी को गले फिर गाधे एमती शहे थर से थुकुला आउ शहे थर ये गाधुले शेषर सी हरिगला कितने थुकियो प्रणाम कला कला आपण धैर्य मत मान्य पड़े मई माने अदृष्ट सर्वभूतान से कहते मु मते तो बहुत भल लगला कि जाओ ए बहाना रे गाधे अपने स्नान करे अपने मौका मिला मोर पे थोड़ा अब मु तुम किसी अलग भाव में तुम्हें मत से आत्मा तुम्हें तुम्हारे काम कर दो तुम को जल्दी शिक्षा दिया जाए जी बात तुम इधर जो भावना तुम कर दो ए माध्यम रे मते मिलला से सत सत कहला कि ब्राह्मण माने हम पठाई तले मु आपण एक ही रहूं तो मुँह आपण बोलो टाइप चले तो नामदेव को भावना अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र मित्रता ऐसे ही नामदेव ही रांधुतले रोटी तैयारी करतले बड़े कुत्ता आसला कुकुर दौड़ी गला तो घीओ नहीं की पसर दो चंद समझते वाले कौन कुकुररूम मोहरू रोटी छड़ेया कहीं चाहो से कहले कि आप क्यों दौड़ रहे अरे जो कुत्ता भगवान है ना खाली सुखीला रोटी नहीं गले मो ठीक है घी वाले पके डाल से जाए मैत्र समस्त से मैत्र का भावना भगवान बुद्ध दे गाय जाऊ के जंगल रे मना करे जान तो अंगुली मार राक्षस अछि मो पई समस्त मैत्र अंगुली मार मध्य परिवर्तन केला मैत्र करुणा करुणावा करुणा ये वचन सुखदेव जी प्रवचन दोन होतले परीक्षित मना करतल नाही मु कॉल जी की नाही नारद भावले की सुखदेव को करुणा कहीं तो बाहर ही हो जाने में बड़े लीला करे बड़े अंधो व्यक्ति जाऊ जाऊ कुंवर पड़ेगा कहीं बस सुखदेव जी नारद जी ठियाई चले तुरंत सुखदेव जी कहते नारद अरे ये अंधो व्यक्ति कौन पड़ी लो तक उद्धार तो करो तुम्हें जीवो तो मुझे भी तो नारद जाने से के लेट करे तो संग संग दौड़ी वाले एवं तक धर दले कले महाराज इतना ही मुको थे ना कौन परीक्षित मध्य अंधकार कुवर वर्तन पड़िलाने अपन के प्रवचन तो दियंत तो सुखदेव जी को करुणा आसला भागवत ले मैत्र करुणा ये बच्चे तीन का है अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये बच्चे निर्मम तंग वही तक कौन से मम कारण है मोर बल किस ना है निरहंकार अहंकार भी नहीं मेरो मोर तोरते माया बोल से दर्ज हो जाए दो ही है ना ऊपर तीन थला थले वर्तन दो ही है ना समं दुख सुख सुख दुख तो हमारे समान हमारे उपनिषद गंगा जो नहीं सेठ बोलते कहानी थी अच्छी अनेक एपिसोड अच्छे 51 परवेल्ला स्वामी बोले अच्छे उत्तर भारत का जो स्वामी चलो 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 पुराना कथा 500,000 वर्ष पहले चलो चलो पढ़े ऐसे दक्षिण भारत को तमिलनाडु सेठ लैंग्वेज प्रॉब्लम बर्तन मुझे इतने मुझे आने थे आजकल तो इंग्लिश और पूजन चढ़ जाओ जी लैंग्वेज प्रॉब्लम गोटिए शब्द से धर दे गले परवेल्ला परवेल्ला माने बढ़िया परवेल्ला भलो अच्छा जायस नहीं परवेल्ला तो दिखिया मतलब दे दे दे
सी पचारे स्वामीजी केमती अच्छा पर भल अच्छे एमती है परवेल्ला स्वामी तक ना देदेले किए जन आसिक कहले कि ये आम गाँ पाखे आश्रम से कृत से गाँव रे सरपंच भोट हवार जे सरपंच सी आसला एवं से बस गोड़ टाक नहीं मुंड रखला आशीर्वाद ये कहीदे परवेल्ला विरोधी पार्टी भी आसला ताकि भी कहले परवेल्ला तो स्वामीजी को कृपा कर मंदिर आश्रम गाई सब दे सारे ये भितर कौन है फूल बाण प्रचार सचमुच सरपंच जे जीतला सी तो परवेल्ला स्वामी को उठे कि गाँव में करेले जमी जगन्नाथ को आम ये करेले ना ही गला समस्त से प्रणाम कले सुख है घटना टे कौन है टे परिवर्तन है ये जो विरोधी दल पुओटा आई सरपंच झील ए दिजन जाक संपर्क था मौका मिलता है आश्रम परवेल्ला स्वामी तो ध्यान था जीवा आसवा चल था और आश्रम ना कोई विरोध ना कोई अच्छी समस्त आश्रम दिजन संपर्क झीलटा गर्भवती है पुओ भी है बर्तमान आपको बापा जे सरपंच झील को बाड़ी कह किए कहार पुए ये डरी की परवेल्ला स्वामी ना कहला से मैंने आसिकी परवेल्ला को डंडा मारले आओ ना ताओ विदाय कर दे तथापि कौन कहता है परवेल्ला परवेल्ला गाँ बाहर आस अन्य गाँव रोक देखले खाई देखे पर किसी वर्ष पर पांच वर्ष पर झील सत कथा कहीदेल कि अन्य मोर जो परवेल्ला स्वामी विताड़ित हेले माड़ी खाइले सत कथा कहले बर्तन आउ थे डाक से समदुख सुख सुखर मध्य समान दुखर मध्य समान फुलमाला दिगला जूतामाला दिगला समान से हूँ कौन आम मानक किए जदि प्रशंसा करे ठीक किए जदि अपमान करे ठीक ये भावना रखा हो प्रशंसा भल लगे अपमान को खराब लगे कहते ना शांत रह लास्ट कौन क्षमा क्षमी क्षमा कर फिर सत्रह संतुष्ट सततम योगी एवं पांचटा संतुष्ट सततम योगी अर्थात सब बड़े से संतुष्ट योगी जहाँ मन टी भगवान को पकड़ था दुई यथात्मा यथात्मा मान देखे जे एक्टिव जे कंट्रोल अच्छे इंद्रिय को दृढ़ निश्चय जहाँ निश्चय दृढ़ता अर्थात भगवान को स्वरूप जहाँ मन बिल्कुल तौक आसने सब डिटरमिनेशन मय्यर्पित मनोबुद्धि पांच नंबर एक नंबर संतुष्ट सतत मान सब सतत संतुष्ट सततम दिया जीव संतुष्ट सततम सततम योगी आम मान मन जो पूजा कर थोड़े समय सततम रोज सततम योगी दुई यथात्मा तीन दृढ़ निश्चय चार मई अर्पित मनोबुद्धि पांच मनोबुद्धि मोठे जी अर्पित यहीपरि लक्षण युक्त भक्त मोर प्रिय भगवान कह पंदर नंबर श्लोक आज गोटे देख यस्मनो दिजते लोकः लोकन्नो दिजते चयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः एटी तीनटा लक्षण कहते जहाँ ठारू लोक केवे उद्विग्न हुए
तेनाली गुंडा भाई मैंने टेररिस्ट ना समझे ही लोक डर जी अंगुली वाला राक्षस से मना कर जानते किंतु ये हूँ जहाँ ठार लोक डरते बर तो स्नेह कर सीए लोक डरते पॉलिटिक्स रे भोट पूर्व पॉलिटिशियन लोक डरते जहाँ भी कह हाँ हाँ मार थे मिलला पांच वर्ष पर्यटन कई तो हटे कर देखते बाकी व्यवहार रे किए डरू किए डर ना ये डरती लोक ना लोक डरते दिटा गला हर्ष मर्ष भयत वेगी हर्ष कौन सी जिनस मिलने खुशी जीव हर्ष अमर्ष दुखी तो आपको जीवन रे ना हर्ष अच्छे ना अमर्ष अच्छे भय भय भी ना उद्वेग उद्वेगता भी ना मुक्त अच्छे मुक्त मान यार ना मुक्त यह सच मे प्रिय एमती भक्त मोर प्रिय निज भगवान ये सब विषय भागवत भी कही भक्त लक्षण ये कौन तीन टा श्लोक देखदे आउ जो श्लोक अच्छे का देखा तो सात पांच बार तीन पंद्रह गला छत्तीसटा अच्छे आकुशा श्लोक मान एक लक्षण आउ छः सतटा श्लोक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।